किन्नौर टूरिज्म एसोसिएट द्वारा जिले में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ज्वलंत मुद्दों को लेकर रिकांगपियो में बैठक की गई, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से छोटे बड़े होटल व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। बैठक में जिला किन्नौर के विभिन्न ट्रैक रूट्स पर असंगठित, अपंजीकृत और अप्रशिक्षित कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे मास ट्रैकिंग, जिसका पर्यावरण व स्थानीय स्रोत पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को समय रहते प्रशासन द्वारा अंकुश लगाने के अलावा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत साहसिक पर्यटन कारोबारियों को मिलने वाले अनुदान पर गहन चर्चा की गई। जिला किन्नौर में पर्यटकों को ज्यादा सुविधाएं देकर लोकल इकोनॉमी को बढ़ाने का निर्णय लिया गया और बेरोजगार युवाओं को टूरिज्म के क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की जाएगी। जिला किन्नौर में रॉक क्लाइंबिंग, स्की, साइकिलिंग व एडवेंचर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए भी उचित कदम उठाने को लेकर चर्चा की गई। किन्नौर में भी टूरिज्म के क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत इस वर्ष लोगों को लाभ मिला है, जिसके लिए विभाग बेरोजगार युवाओं को पूरा सहयोग दे रहा है। वहीं किन्नौर टूरिज्म एसोसिएट के अध्यक्ष चंद्रमोहन नेगी ने बताया कि जिला किन्नौर में बीते वर्षों से देख रहे हैं कि मास लेवल पर टूरिज्म चल रहा है, जिसमें कई असंगठित, अपंजीकृत और अप्रशिक्षित कंपनियों द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिससे लोकल इकोनॉमी कहीं ना कहीं खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि जिला किन्नौर में पर्यटकों को ज्यादा सुविधाएं प्रदान हो ताकि लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सके। जैसे कि जिलाधीश महोदय का भी ये एक वो है, निर्देश है कि किस तरह से हम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को टूरिज्म से जोड़े, जो यहाँ पे टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और उससे रिलेटेड जो काम है, लोग नवयुवकों को ऐसा प्रोत्साहित करें कि वो जो है टूरिज्म के सेक्टर में भी आए और इस योजना में टूरिज्म सेक्टर में भी लाभ उठा के जो है अपने व्यवसाय शुरू करें। तो इसमें मुख्यतः जैसे साइकिलिंग है और एडवेंचर टूरिज्म है और अन्य प्रकार के जो और कार्य हो सकते हैं, उनके बारे में जो है एसोसिएशन के साथ चर्चा की जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में काफ़ी नवयुवक इस योजना के अंतर्गत टूरिज्म सेक्टर में अपनी योजनाएं जो है वो लगाएंगे और अपना प्राप्त करेंगे। हुई है इसमें कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर हमने अपनी ये बैठक को आयोजित करवाया है। इससे पहले भी एक बार हमारा जनरल हाउस हो चुका है, पर आज एग्जीक्यूटिव के साथ हमारी जो मीटिंग है उसमें एक तो जो जिला किन्नौर में अभी पिछले गत कई वर्षों से हम देख रहे हैं जो एक मास लेवल पे टूरिज्म चल रहा है, अनऑर्गेनाइज, अनसिस्टमेटिक, जिसमें आपका इकोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है और लोकल इकोनॉमी कहीं ना कहीं उससे खराब हो ही रही है, क्योंकि बाहर से आने वाले कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मास लेवल पे टूरिज्म को प्रमोट कर रही हैं। एक तो वो ज्वलंत मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था हमारा कि जो पर्यटन में हमारे नए व्यवसायी आ रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से होगी। तो फंडिंग के लिए अभी हाल ही में हमारे GM DIC साहब ये आए हैं, तो इनसे पहले हमारी बात हो चुकी है। तो कुछ मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत कुछ 60 लाख के करीब का फंडिंग होना है इंडिविजुअल को, वो एज अ टूरिज्म एंटरप्रेन्योर। और तीसरा जो है एक जिला किन्नौर में मतलब कई तरह के एसोसिएशंस हम फंक्शन कर रहे हैं, हमारा टूरिज्म का अलग है, होटलियर्स का अलग है, स्की का। हम चाह रहे हैं कि इन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला के जिला किन्नौर को एक पर्यटन फ्रेंडली तो है पर थोड़ा सा पर्यटकों के यहाँ पर उन्हें सुविधाएं ज़्यादा दी जाए ताकि उनका स्टे बढ़ सके, उनके रातें बढ़ सके, यहाँ पे ज़्यादा दिन स्टे करें ताकि वो लोकल इकोनॉमी में वो पैसा हमारे पास आना शुरू हो जाए। तो इस तरह से और कुछ नए जो आपका स्की है या आपका रॉक क्लाइंबिंग है, कुछ इस तरह की जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, साइकिलिंग ट्रेल है, इन सबको प्रमोट करने के लिए अभी इस मीटिंग के बाद हम पर्यटन अधिकारी हमारे SDM साहब और जिलाधीश महोदय से मिलके अपने इन समस्याओं को